हरदा में पीएम मोदी के जन्मदिन को खास मनाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की टीम ने कृषि उपज मंडी प्रांगण में 5600 स्क्वायर फीट की पेंटिंग बना डाली। पेंटिंग को देखकर सहसा यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये तस्वीर गिट्टी से बनाई गई होगी। इस पेंटिंग में जितना भी काला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये सड़क बनाने में काम आने वाली गिट्टी है। टीम के नेता संदीप पटेल ने बताया कि इस पेंटिंग को बनाने में 9 से 10 घंटे लगे हैं। पेंटिंग की थीम लोकल फॉर वोकल है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने एक पोर्ट्रेट तैयार किया है, जो कि 10 से 12 घंटे में हमने तैयार किया है। 5600 स्क्वायर फीट में हमने इसे तैयार किया है और हमने ये गिट्टी के द्वारा हमने इसे बनाया है। कितने लोग हैं इसमें? हम इसमें 40 लोग हैं हमारी टीम में। इसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कितनी संख्या लड़कियों की? 25 लड़कियाँ हैं और बाकी लड़के हैं। ये जो फोटो बनी है, ये पूर्णतः गिट्टी से बनी हुई है और इसे बनाने में हमने सुबह 6 से अभी 4 बजे तक पूरी मेहनत की है, मतलब लगभग 12 घंटों का टाइम इसमें लगा हुआ है और इसमें 40 सदस्य हमारे शामिल थे। कितना खर्चा आया लगभग इसको? इसका एस्टिमेट ऐसे बजट माने तो लगभग 10-15 हज़ार के करीब आया है। कितने स्क्वायर फीट बनी है? ये है 70x80 में, मतलब कि 5600 स्क्वायर फीट में है और पहले भी कभी ऐसी फोटो नहीं बनी है गिट्टी से इतनी बड़ी, तो इसीलिए यह विश्व रिकॉर्ड माना जाएगा। आपने कितनी बार इस टाइप की मूर्तियाँ बनाई है? मैंने पहले काफ़ी बना चुका हूँ, मेरे नाम पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहले से भी हैं और अभी आगे भी हम करने जा रहे हैं, माननीय कमल जी पटेल के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। संदीप भैया पूरा साथ दे रहे हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे 37 की टीम ने जो है लोकल फॉर वोकल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोकल की चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो हमने जो है उनकी फोटो बनाई है गिट्टी से और इसमें जो है हमारे 40 साथियों ने भाग लिया था और 12 घंटे में तैयार हुई है और